नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सिरी बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन बना करके दिखाने वाले हैं। ये हमने कपड़े से ही पत्ती बनाते हुए यहाँ पे राउंड वी में इस तरीके से ये अटैच किया हुआ है। तो आइए सीखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, जो आपने नेक डिज़ाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये फ्रंट लिया है और ये ली है बुकरम। तो सबसे पहले हम सिंपल राउंड वी नेक कटिंग कर लेते हैं। ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से 3.5, ताकि हमारी 7 इंच तक तैयार हो जाए, और डीप लेंथ रखेंगे यहाँ पे 7.5, और यहाँ पे सिंपल सी राउंड शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। शेप आप कम ज़्यादा रख सकते हो, आपकी इच्छा है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। अब हम बाहर की साइड भी 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये सिंपल सी भी नेक हमारी कटिंग हो जाती है, जो कि हमें यहाँ पे फ्रंट में तैयार करनी है। तो जैसे नॉर्मल नेक तैयार की जाती है, इसी तरीके से हम इस नेक को तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सिंपल वी नेक अपना तैयार कर लिया है और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारा राउंड वी आता है इस तरीके से, तो इस निशान को हम आगे तक इस तरीके से बढ़ाएंगे। जितना आपने डिजाइन बनाना हो उतनी दूरी तक आप इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा ले। यहाँ पे ये यहाँ पे काफी रहेगा। अब हमें इस साइड में डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग जो करनी है हमने लेना है यहाँ पे इस तरीके से मैचिंग करते हुए, जो हमारा बॉटम वाला फैब्रिक है वो लेना है, और इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लेनी है। ये मैंने पेपर फ्यूज पेस्ट की हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे इस तरीके से कोई भी। इसका साइज होगा हमारा यहाँ पे 2.5 इंच ऐसे होगा और तकरीबन 2.5 इंच ऐसे होगा। इसको हम बीच से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और इसमें एक ट्रायंगल शेप वाली शेप डाल देंगे ऐसे। यहां पे ये डाल दी है और यहां पे कर लेंगे कटिंग। तो ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहां पे इस तरीके से एक साइड में रखेंगे ऐसे, कहीं पे भी आप रख ले, और यहां पे निशान लगा ले चारों साइड में, तीनों साइड में सॉरी। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें हल्का सा मार्जिन रखते हुए, जितना हम सिलाई में एक पैर का लेते हैं उतना मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, और नीचे से बिल्कुल बराबर बराबर निशान पे कटिंग कर लेनी है। तो ऐसा हमारा यहाँ पे ये पीस हो जाएगा इस तरीके से। इसको तैयार करना सीखते हैं, कैसे हम इसको तैयार करते हैं। तो ये ट्रायंगल शेप का पीस तैयार करने के लिए हमने एक कपड़ा लेना है सेम, और यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं ऐसे, और जो हमने निशान लगाया है निशान के ऊपर ही हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दो साइडों में हमें सिलाई लगानी होगी। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वो काट देंगे इस तरीके से।
तो जो हमारी एक साइड यहां पे ओपन है ये वाली, इसमें से हम इसको पलट लेंगे। और बाकी जो आगे का नोक होती है वो कैंची से या सुई की मदद से निकाल लेते हैं। यहां पे इस तरीके से अच्छे से नोक निकाल लेंगे। तो नोक निकालने के बाद इस तरीके से हमारा ये पीस तैयार हो जाएगा ट्रायंगल शेप का। अब एक साइड में यहाँ पे ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए एक साइड में सिलाई लगा ली है और अब हम एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन जो है ये काट देंगे। तो इस तरीके का हमारा यहाँ पे ये पीस तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ पे सभी पीस ये रेडी कर लेने हैं। ये देखिए सभी पीस हमने यहाँ पे इस तरीके से रेडी कर लिए हैं, जैसे मैंने एक पीस आपको करके दिखाया है। अब इनको हमें सीखना है कैसे अटैच करना है फ्रंट में, जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर कैसे इनको अटैच करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान देना है। इस तरीके से एक साइड में फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड में हम ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो इसकी हमारी ये कुछ इस तरीके से पत्ती तैयार हो जाएगी। इसकी चौड़ाई आप कम ज्यादा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप पत्ती यहाँ पे तैयार कर लें। और यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लें। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके की हमें सभी पत्तियां यहाँ पे ये रेडी करनी है। जो बॉटम वाला फैब्रिक है वो बीच में रखेंगे इस तरीके से, और जो मेन फैब्रिक है हमारा कमीज वाला वो हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे बराबर पत्तियां बनाते हुए, बराबर गैप रखते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो सभी पत्तियों को हम इसी तरीके से यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने इस तरीके से सभी पत्तियां ये तैयार कर ली हैं। अब हमें इनको कटिंग करना है। जो हमारी सिलाई है उसके नज़दीक इस तरीके से हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेते हैं। यहाँ पे सभी पत्तियों का इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और सभी का साइज हमारा एक जैसा होना चाहिए, ना कोई बड़ी हो और ना ही कोई छोटी हो। तो सभी पत्तियों का साइज हम एक जैसा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सभी पत्तियां एक साइज की इस तरीके से कंप्लीट कटिंग कर ली हैं। अब हमें इन्हें एक एक करके यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऊपर से ही ऊपर की साइड सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे आधा इंच, और यहाँ पे ऐसे इसको लगाते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे सभी पत्तियां आपने हल्का हल्का सा गैप रखना है और इस तरीके से अटैच करते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक साइड में इस तरीके से सभी पत्तियां अटैच कर ली है और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे हमारा डिजाइन तैयार हुआ है। अब हमें एक यहाँ पे पट्टी लेनी है ओरेब की इस पॉइंट पे लगाने के लिए, और एक लेनी है हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाने के लिए। ये हमारी दोनों ओरेब वाली पट्टी होनी चाहिए जो कि यहाँ पे गोलाई में अच्छे से सेट आ जाए। तो सबसे पहले इनको तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा छोटी पत्ती कैसे तैयार किया जाते हैं। ऐसे हम फोल्ड करेंगे
और यहाँ पे तकरीबन एक पैर से हल्का सा चौड़ाई वाला मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन काट देंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको पलट लेंगे, सुई की या किसी तिल्ली की मदद से इस तरीके से यहाँ पे इसको पलट लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे इसको पलट लेंगे। तो ये हमारी ओरे वाली पट्टी ऐसे तैयार हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे बड़ी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों पट्टी हमने यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर ली हैं। सबसे पहले हमें छोटी साइड वाली पट्टी लगानी होगी। यहाँ पे छोटे वाली पट्टी ऐसे रखेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। ये ऊपर से ही हमें लगानी है। तो ये देखिए एक साइड में हमने यहाँ पे ये पट्टी लगा ली है। अब हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे सेम इसी तरीके से ये पट्टी लगा लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने दूसरी साइड भी यहाँ पे ऊपर से लगा ली है पट्टी और यहाँ पे डिजाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा हमने यहाँ पे आपको नेक बना करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।